हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर.ए. अहमद आपका स्वागत करता हूँ। क्या मोबाइल से कोरोना वायरस फैल सकता है? जी, आपने सही सुना। आपके प्यारा मोबाइल और लैपटॉप भी आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन दे सकते हैं। अमेरिका की रॉकी माउंटेन लैब के चीफ वायरोलॉजिस्ट विंसेंट मुस्टर, जो कि कोरोना वायरस के नेचर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस की एक्टिविटी को ह्यूमन बॉडी के अंदर और डिफरेंट सर्फेसेस के ऊपर स्टडी किया है, उनकी स्टडी से ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस प्लास्टिक पर 3 दिन तक जीवित रहता है और बीमारी फैला सकता है। यानी कि वो 3 दिन तक प्लास्टिक के सर्फेस के ऊपर वाइबल होता है और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन करने के चांसेस उसमें रहते हैं। अब आप सोचें कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप दिन में कई बार छूते हैं और उसे कभी साफ भी नहीं करते। वो है आपका मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर। सर्वे के अनुसार हमारे मोबाइल पर एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरे सर्वे के अनुसार एक नॉर्मल हेल्थ वर्कर या एक डॉक्टर के मोबाइल पर कई खतरनाक बीमारियों के जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरसेस पाए जा सकते हैं, जिनमें निमोनिया, टीबी, यहाँ तक कि एचआईवी की बैक्टीरिया भी कुछ डॉक्टर्स के मोबाइल के ऊपर पाए गए हैं। ये मोबाइल्स हमारे अपने कांटेक्ट में रहता है, हमारे फैमिली मेंबर्स इसके कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हमारे फैमिली मेंबर्स को नुकसान पहुँचा सकता है और कई ख़तरनाक बीमारियों की वजह बन सकता है। ये ज़रूरी है कि हम अपने मोबाइल को डिसइंफेक्ट करें, इसको क्लीन करें। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने मोबाइल को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका फ़ोन IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, तो इसे आप वाटर और सोप से क्लीन कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, आपका फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो आप इसे रबिंग अल्कोहल, जिसकी कंसंट्रेशन करीब 70% होती है और जिसे आम भाषा में हम लोग स्पिरिट कहते हैं, उसका यूज़ करके आप अपने मोबाइल को डिसइंफेक्ट कर सकते हो। इसकी जगह पे अगर आपको एब्सोल्यूट अल्कोहल मिल रहा है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ मोबाइल को डिसइंफेक्ट या क्लीन करने के लिए ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो हैंड सैनिटाइज़र होता है, वो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उस गाढ़ापन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से वो हर पार्ट तक उतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, तो अपने मोबाइल को क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ग्लव्स, जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं या फिर नॉर्मल एग्जामिनेशन ग्लव जो होते हैं, वो आप पहन लो, मास्क कवर कर लो और अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दो। ठीक है, और अगर आपके मोबाइल में कोई आप कवर का यूज़ करते हो, पैक कवर जैसे यूज़ करते हो, तो उसको निकाल दो। उसके बाद फिर एक कॉटन स्वैब आप ले लो, एक कॉटन ले लो, उसको स्प्रिट में अच्छी तरीके से डिप कर लो, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से स्क्वीज कर लो, उसको निचोड़ लो, जिससे जो एक्सेस में अल्कोहल है वो निकल जाए। फिर इस कॉटन स्वैब के मदद से आप अपने मोबाइल का हर एरिया अच्छी तरीके से क्लीन करो, उसको अच्छी तरीके से पोछो। फिर उसके बाद आप ड्राई टिश्यू लेके अपने मोबाइल को ड्राई कर लो, तो अब आपका मोबाइल पूरी तरीके से हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस हैं उससे फ्री हो चुका है। ठीक है, जिस तरीके से हमने अपना मोबाइल क्लीन किया है, उसी तरीके से आप मोबाइल के सारी एसेसरीज़, यानी उसके हैंड फ्री, ईयरफोन्स और भी जो गैजेट्स आप यूज़ करते हो जनरली, उसको आप क्लीन कर सकते हो। तो मोबाइल को क्लीन करने के बाद, अगर मान लो आपको ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं और आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हो तब भी, तो मोबाइल को क्लीन करने के बाद आप अपने हाथ को वाटर और सोप से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से वॉश करो, और मोबाइल और अपने लैपटॉप को क्लीन करने की जो हैबिट है, उसे रेगुलर क्लीन करने की आप हैबिट डाल। इससे रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पहला तो आप कभी भी अपना मोबाइल और अपना रुमाल एक पॉकेट में मत रखो, कि इससे अगर आपके जो मोबाइल पे जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं, वो आपके रुमाल पे और हैंकी पे आ सकते हैं। उससे अगर आप अपना रुमाल या हैंकी कभी यूज़ करते हो, बैक्टीरिया जो है आपके नाक, मुँह और आँख के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। दूसरा, कभी भी आप पब्लिक कंप्यूटर का या फिर ऑफिस के कंप्यूटर का अभी इन दिनों यूज़ करने से बचो। अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो ये बेहतर है कि आप सर्जिकल ग्लव्स का यूज़ करो, या फिर पहले यूज़ करने से पहले आप जो है उसको
स्प्रिट से या फिर सैनिटाइज़र से क्लीन कर लूँ। तीसरी बात यह है कि कॉल करने के लिए आप हेडफोन्स का या फिर जो है क्या कहते हैं ईयरफोन्स का यूज़ करो, जिससे आपका मोबाइल जो है डायरेक्ट आपके फेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इससे जो बैक्टीरिया के ट्रांसमिशन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरी बात, किसी दूसरे का मोबाइल फ़ोन कभी भी मत यूज़ करो या किसी दूसरे का लैपटॉप भी कभी मत यूज़ करो, और अपना मोबाइल फ़ोन या अपना लैपटॉप भी किसी दूसरे को मत दो, ठीक है? तो इससे आपके जो इन्फेक्शन ट्रैवल करने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो सावधानियां बताई जा रही हैं, जो सावधानियां जो है हमारे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करके अप्लाई की है, प्लीज़ उसका फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है कि आपको फीवर आ रहा है, ड्राई कफ हो रही है या फिर जो है ब्रीथलेसनेस हो रही है, तो अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए। इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं तो हेल्थ वर्कर से कॉन्टैक्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।